आसमान से गिरा खजूर पे अटका बुक्कल नवाब समाजवादी से भगवादारी हो गए। सोचा पिछले पापों से मुक्ति मिलेगी, नोटिस पीछा छोड़ेंगे क्योंकि सत्ताधारियों के साथ जो आ गए। लेकिन क्या पता था कि आते ही पर्ची कट जाएगी। बीजेपी के नए नवाब को 6 करोड़ का रिकवरी नोटिस मिला है। अब बुक्कल किसका हाथ थामेंगे? बीजेपी में आते ही कट गई नवाब की पर्ची। सरेंडर करने के बाद मिल गया नोटिस। काम नहीं आया भगवा चोला ओढ़ना। सपा की आलोचना भी बेकार चली गई। बीजेपी में आने के बाद मिल गया बुक्कल नवाब को नोटिस। बुक्कल नवाब एमएलसी पद और सपा से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। यहां तक कि बधाई के पोस्टर भी लग गए और बुक्कल को बाहुबली भी बना दिया गया। लोग सोच में पड़ गए, आखिर बुक्कल के आने की वजह क्या है? तो बुक्कल नवाब ने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगा दिए, लेकिन वजह कुछ और ही थी। लेकिन बीजेपी में आने के बाद बुक्कल नवाब उससे बच नहीं पाए। जिला प्रशासन ने भेजा बुक्कल को 6 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। जियामऊ में जमीन अधिग्रहण के नाम पर गलत तरह से ले लिया था मुआवजा। 15 दिन में 6 करोड़ रुपए जमा करने का दिया समय। जमा नहीं करने पर भू राजस्व की तरह होगी वसूली। बुक्कल पर पहले ही हेरिटेज जोन में अवैध अपार्टमेंट बनाने का आरोप। एलडीए भेज चुका बुक्कल को नोटिस। बुक्कल और उनके लड़के के 2 अपार्टमेंट बिना नक्शा पास कराए बने। एक और मामले में गलत तरह से बुक्कल ले चुके हैं मुआवजा। हाईकोर्ट तक ने बुक्कल से मुआवजे की वसूली के दे रखे हैं आदेश। अप्रैल महीने में बुक्कल नवाब से मुआवजे की वसूली के आदेश हाईकोर्ट ने रखे हैं। बुक्कल नवाब के बेटे के अपार्टमेंट को भी एलडीए सील कर चुका है। ऐसे वक्त में बुक्कल नवाब सपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लगा बीजेपी में इस बात का इनाम मिलेगा। अगर बीजेपी बुक्कल नवाब को बचाती तो वहाँ भी सवाल खड़े होते, यानी बचने के लिए बीजेपी का दामन थामा। लेकिन मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।